से सटे फरीदाबाद में मुख्यमंत्री फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर करोड़ों की बिजली चोरी के मामले का खुलासा किया है। दरअसल टीम ने फरीदाबाद की कई आटा चक्कियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां से करोड़ों की बिजली चोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एसजीएम नगर ए ब्लॉक में गली नंबर 11 में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में बिजली चोरी कराई की जा रही है। हमने बिजली विभाग के अपने एसडीओ और अपने विजिलेंस के जो बिजली विभाग के विजिलेंस है उनके हिस्सों साहिबान से संपर्क किया, उनको साथ लेके यहाँ पे चेकिंग कराई। चेकिंग पे पता चला कि यहाँ पर तीन लोगों द्वारा जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आस मोहम्मद, श्रीमती सायरा और असगर, इनके द्वारा यहाँ पे 9 व 10 किलोवाट के ही बिजली मीटर लगवाए हैं, लेकिन इनके द्वारा 1 मीटर पर करीब 35 किलोवाट, दूसरे पर करीब 30 किलोवाट और तीसरे मीटर पर करीब 64 किलोवाट बिजली प्रयोग की जा रही है। तीनों ही बिजली मीटर जो है ना एसडीओ साहब द्वारा जब चेक किए गए तो बंद मिले हैं। इसके संबंध में एसडीओ साहब ने जो बिजली विभाग की कार्रवाई है, LL1 फार्म होता है, लाइन लॉस फार्म नंबर 1, वो भरा है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई आगे। शाम को जैसे ही एससी साहब ने मेरे को रिपोर्ट किया, कल आपने सीएम फ्लाइंग के पास जाना है और वहाँ से कोई गुप्त सूचना है जिसकी आपने चेकिंग कर दी। मैं रिपोर्ट किया गया और सवेरे अपना टाइम अनुसार जैसे बुलाया सीएम फ्लाइंग के साथ में यहाँ मौके पर पहुँचा। अभी हालात आपने क्या देखे हैं? मौके पर देखा जो कनेक्शन HT कैटेगरी में आता है और उसको 10 किलोवाट का लोड देकर ना एक कनेक्शन यूज कर रहे हैं, जिसका बिल कम से कम 35 और 40 हज़ार रुपये कम से कम बिल आना चाहिए और उसका मात्र 2-3 हज़ार में काम चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बिजली चोरी कितनी हो रही है। बाकी इसके हमने LL1 भर दी गई है, मीटर है वो लैब के लिए रेफर कर दिए गए हैं, जैसा ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन की जाएगी और जैसे लोड के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन है जो कि लाखों में बनती है, असलियत तो उसकी जब आएगी जब कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा घोटाला चल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला कह सकते हैं उसको। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा है फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके का, जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां सरकार को करोड़ों की बिजली चोरी कर चूना लगाया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली थी कि 3 नंबर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का गोरख धंधा चल रहा है। इसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई, फिर जो सामने आया उसे देखकर एक बार फिर सीएम फ्लाइंग की टीम के भी होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि यहां कई आटा चक्की थी जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का काम कर रही थी। इनकी बिजली चोरी करने का तरीका भी अलग था। जिन्होंने 10 किलो वाट का लोड दिखाकर कनेक्शन लिए हुए थे, जबकि लोड कई गुना ज्यादा था। इससे भी हैरत की बात तो ये है कि कुछ एक तो मीटर भी खराब पड़े हुए थे, जिसके चलते एवरेज का बिल आ रहा था जो मुश्किल से 6 से 9 हज़ार के आसपास होता है। बहरहाल सीएम फ्लाइंग की टीम सरकार को हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है और इसके बाद आगे उचित कार्रवाई करने की बात हो रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।